एवरीवन, ज्ञानवर्धक सीरीज के पार्ट टू में आपका स्वागत है भाई। देखो, इस वीडियो में हम नीट का एक क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक हो गया, जो 2021 में आया हुआ है भाई, ठीक हो गया। ज्ञानवर्धक सीरीज में मैं आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा भाई, ठीक हो गया, वो नीट और आईआईटी जेई के कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे भाई, ठीक हो गया। तो देखो भाई, और उनमें एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा भाई, ठीक हो गया। एक टाइप से ये आपके लिए रैंक बूस्टर का काम करेंगे। तो देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो नीट 2021 में आया हुआ है भाई, ठीक हो गया। किस में आया हुआ है? नीट में। देखो भाई, जो क्वेश्चन है वो है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। देखो भाई, टैग लाइन पहचानो कि किस लाइन से आपका क्वेश्चन बन जाए भाई, ठीक हो गया। तो कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। कौन सी गैस है भाई? आइडियल गैस है। और याद रखना क्या प्रोसेस है? आइसोथर्मल कंडीशन है भाई, ठीक हो गया। तो देखो इसने बोला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एंट्रोपी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या बोलते हैं? डी यू। और एंट्रोपी को क्या बोलते हैं? डेल एस। ये क्या होंगे भाई, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले जो हमारे पास गैस है वो क्या है? आइडियल गैस है, ठीक हो गया। जो हमारे पास आइडियल गैस है भाई, आइडियल गैस मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है, याद रखना वो क्या होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है भाई, ठीक हो गया। इट मींस अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो टेम्परेचर होता है टी, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूं तो वो कितना हो जाएगा? जीरो। इट मींस अगर मैं इंटरनल एनर्जी चेंज बोलता हूं तो याद रखना वो कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है भाई? टेम्परेचर का फंक्शन है और प्रोसेस है आइसोथर्मल। इट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज देखेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो। देखो भाई, कौन कौन से ऑप्शन हट गए हैं, ठीक हो गया। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया है और ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया है, ठीक हो गया, क्योंकि उसमें इंटरनल एनर्जी डज नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब देखो एंट्रोपी की, किसकी बात करेंगे? एंट्रोपी की। देखो भाई, जो एंट्रोपी है भाई, ठीक हो गया। एंट्रोपी किस चीज को मेजर करता है? थर्मोडायनेमिक्स रैंडमनेस को। किसको? रैंडमनेस को, ठीक है। रैंडमनेस का मींस क्या है? चीजें कितनी अस्त व्यस्त है, समझाया? देखो, अगर कोई चीज मेरे पास वेल अरेंज है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरे पास एक सिस्टम बहुत वेल अरेंज है, मैंने इसको टेम्परेचर टी दिया, अगर ये क्या हुआ, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई इस तरह से, मतलब रैंडम हो गया, इधर उधर फैल गया, समझाया? ये पहले क्या थे? वेल अरेंज्ड थे, और इसके बाद ये क्या हो गए हैं? रैंडम हो गए हैं, ठीक हो गया। इट मींस जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो क्या हो गई है भाई? इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सिस्टम की क्या हो गई है? एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। इट मींस एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की रैंडमनेस को मेजर करता है। तो देखो भाई, हमारे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो भाई, इस चीज को समझो, याद रखना मैंने क्या किया है, इसको क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है, समाया? टेम्परेचर क्या है? 30 डिग्री अंदर का, लेट अस कंसीडर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, समाया? अब देखो भाई, अगर मैंने हीट दिया है तो हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा भाई। अगर किसी चीज को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेट अस सपोज हीट देने के बाद टेम्परेचर जो हो गया वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक हो गया। लेकिन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल है। मींस हीट देने पर भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। इट मींस अब क्या होगा भाई? देखो, हीट रिलीज करने के लिए वो कुछ वर्क डन कर देगा। ये जो पिस्टन है ये ऊपर की तरफ को खिसक जाएगा भाई, समझाया? वो हीट किस में कन्वर्ट हो जा रही है? डायरेक्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रही है। वो टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, यानी कि अब टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, ठीक हो गया। लेकिन यहां पे क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया भाई? एक्सपेंशन हो गया, ठीक हो गया। तो देखो, यहां पे रैंडमनेस कम थी, समाया?
यहाँ पे रैंडमनेस क्या है, ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो जाएगा, गैस के पार्टिकलों का जो रैंडमनेस है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक हो गया। तो इट मीन्स अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, अगर मेरे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है भाई, तो उसका जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो भाई, इट मीन्स अगर मेरे पास एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है भाई, क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक हो गया। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन से क्या होगा, देखो चीजें क्या हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएगी, और एक्सपेंड हो जाएगी इट मीन्स उसके अंदर ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगी भाई, समाया। तो देखो भाई, इट मीन्स अगर यहाँ पे रैंडमनेस कम थी, अगर मैंने उसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने के बाद रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई है, समाया। तो ओवरऑल अगर मैं चेंज देखो, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो यानी कि जो एंट्रोपी चेंज है मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, वो कितना हो गया है भाई, वो कितना हो गया है, वो हो गया है पॉजिटिव, मीन्स इंक्रीज हो गया है, समाया। तो यहाँ पे जो डेलस है, इंक्रीज मीन्स वो जीरो तो कभी नहीं होगा भाई, समा रहा है। तो ये डेलस डस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी चेंज था वो हो जाएगा जीरो, और जो एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा, डस नॉट इक्वल टू जीरो, समय। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन डी सही है, समय ये वाला। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।